दोस्तों, क्या आपके साथ कभी फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है? यानी कि आपके किसी ने पैसे धोखे से निकाल लिए हों या आपसे पैसे हड़प लिए गए हों। अगर हुआ है तो आप और भी ज़्यादा सतर्क हो जाइए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। दोस्तों, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में 99% लोगों के पास जो इस वीडियो को देख रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी UPI ऐप्स ज़रूर होंगे। और आज के डेट में ये तीनों ही ऐप्स एक चोरों के लिए, ऑनलाइन स्कैमर्स के लिए एक वरदान साबित होते दिख रहे हैं। UPI, जिसे हम अनफील्ड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं वायरलेसली। दोस्तों, ज़रा आप इमेजिन करिए कि आपकी सैलरी UPI के थ्रू आई है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होते हैं, आपके मेहनत की कमाई आपको मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सोचते हैं कल सुबह जैसे ही सुबह होगी तुरंत मैं इन पैसों का यूज़ करूंगा अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होते हैं और तुरंत ही आपका मन कर जाता है कोई ऐप, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें गेम खेल के सो जाते हैं और सुबह आपके अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी सैलरी पूरी निकल जाए, 10-20 हज़ार जितने भी पैसे हों, बहुत ही बड़े अमाउंट में आपके पैसे ले लिए जाएं, तो शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में ये जितने भी सारे गैम्बलिंग वाले ऐप्स, प्लीज़ उसे इंस्टॉल करना बंद करिए, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, हमें नहीं पता कि आप किस सेलिब्रिटी को या किस स्टार को फॉलो करते हैं। जितने लोग भी किसी लूडो या गैम्बलिंग जैसी ऐप्स को प्रमोट करें या बढ़ावा दें, आप उनके कहने पे मत आइए, क्योंकि उसको ऐप को प्रमोट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और दोस्तों, पैसा इंसान को लालची बना देता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों, आपके साथ बहुत गंदा वाला मजाक हो सकता है, इसीलिए प्लीज़ आप दोस्तों पैसे लगाने वाली एप्लीकेशंस को या गैम्बलिंग वाली एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना बंद कर दीजिए। इसी से स्कैमर्स बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं स्कैम करके, क्योंकि भारत में हर 5,000 ट्रांजेक्शन्स के बाद एक फ्रॉड निश्चित होता है और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है इसका ग्राफ। वजह क्या है? वजह है इसकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि ऐसे लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं जिनके, जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे ये एप्लीकेशंस अपना प्रमोशन कराती हैं, उन्हें मुँह मांगी रकम देती हैं। और इसका खामियाजा भोली भाली ऑडियंस को भुगतना पड़ता है, जो कि आप लोग होते हैं। अगर आपने अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से सुन लिया कि आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो आप बिना एक सेकेंड देरी लगाए उनकी ये बात मान के उस चीज़ को इंस्टॉल कर लेते हो। और चलिए दो पल के लिए मान लेते हैं कि आपने किसी के कहने पे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, फिर वो एप्लीकेशंस आपको लालच देती हैं। वो इन्फ्लुएंसर आपसे कहते होंगे कि इस चीज़ का कोड लगाना, मेरे नाम का कोड लगाना, आपको इतने रुपए कैशबैक मिलेंगे, इतने रुपए आपको डिस्काउंट मिलेंगे, और इसमें ही आप फंस जाते हो। आप फंस के जाते हो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने, शायद आपको रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन आपके पैसे चले जाते हैं, क्योंकि उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपसे जितनी परमिशन मांगी जाती हैं आप दे देते हैं, और वो परमिशंस आपके UPI पेमेंट के कोड्स को भी चुरा लेते हैं, जिसके कारण आपके पैसे उनके पास बड़े ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 90% भारत में स्कैम्स केवल UPI के थ्रू पॉसिबल हो पाते हैं और 7% फ्रॉड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू होते हैं और 3% फ्रॉड भारत में नेट बैंकिंग के थ्रू होते हैं। और दोस्तों, हर महीने 200 करोड़ रुपए भारत से केवल स्कैम करके स्कैमर्स कमा लेते हैं। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है अगर हम इसे फॉरेनर कंट्रीज से कंपेयर करें, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट का फ्रॉड किसी फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है, लेकिन भारत में बड़े ही आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज़ ना करें।